हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। पंजाबी इंडस्ट्री ते पंजाब नाल जुड़ियां कुछ खास अपडेट्स लैके तुहाडे सामने हाजिर हुई हाँ। सब तो पहला असीं सिद्धू मूसेवाले दा ही जिक्र करना चाहते हाँ, जिसका कि एक सैक्शन नाल विवाद भी भखिया है, रिकॉर्ड भी कायम किया है, इस तों इलावा फैनां नूं एक सरप्राइज भी दिता है। सब तो पहला दोस्तों असीं ईपी का जिक्र करना चाहते हाँ। स्पॉटीफाई ते 5 मिलियन तो ज़्यादा स्ट्रीम्स पार हो चुकिया ने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस तों इलावा भरा ने एक स्टोरी भी शेयर की है एशिया म्यूजिक चार्ट ते, नैवर फोल्ड गाना ते 0 to 100 ये 9वें ते 20वें नंबर ते दोस्तों रैंक कर रहे ने। ईपी ने तो पूरी तक पाई हुई है, तो शायद हो भी सकता है यह बिलबोर्ड चार्ट से ट्रेंड कर जाए, पूरी ईपी ना करे। नेवर फोल्ड ते एवरीबॉडी हर्ट्स गाना दोस्तों सारियां नूं ही पसंद आ रहा है, ते बाकी तिना गाने दे मुकाबले इन्हां दो गाने ते दोस्तों स्टीम्स भी बहुत ज्यादा ने। ते हुण दोस्तों सरप्राइज दा जिक्र करते हैं, 4 तरीक नूं भरा दा लाइव शो होण जा रहा है, ते इस तों इलावा कुछ कु दिनां तक ही कैनेडा अमेरिका जिथे किते भी मतलब भरा वर्ल्ड टूर करन जा रहा है, उस दीआं डेटां अनाउंस हो जाणगीआं। ते तीसरी गल है किसी शख्स नाल विवाद पैणा। बब्बू मान नाल दोस्तों तुहानूं दस्सदी विवाद जुड़े जा रहा है। पहला असीं इंडिविजुअली बब्बू मान बारे गल कर लैने हां, जिन्हां ने कि एक बहुत वड्डा रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने खुद भी स्टोरी शेयर की है, तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज वाले ने दोस्तों इस दी चर्चा भी की है कि बब्बू मान पहला आर्टिस्ट है जिसका कि वैनकूवर पैसिफिक कोलिजियम जिथे कि भरा दा शो होया सी वो दोस्तों सोल्ड आउट गया। फर्स्ट साउथ एशियन आर्टिस्ट टू सेल आउट द पैसिफिक कोलिजियम। सो दोस्तों बहुत वड्डा रिकॉर्ड है, पंजाबियों नूं इन्हां गल्लां ते माण भी महसूस होना चाहिए है। तो दोस्तों तुहानूं एक खास गल ये भी दस दी, इस शो बारे सोल्ड आउट तो चलो गया ही, करण औजला भी इस लाइव शो दौरान दिखाई देता। गुरु रंधावा बारे भी कुछ क्लिप्स सामने आ रही सन, पर करण औजला का जिक्र तो शायद बब्बू मान जी ने भी किया। इस तों इलावा हुण विवाद की पकिया है सिद्धू मूसेवाले नाल। बब्बू मान ने दोस्तों कुछ गल्लां इदां दी कीतियां, मतलब डायरेक्ट सिद्धू का नाम नहीं लिया, सारे आर्टिस्टां का ही जिक्र कर रहा है, विरोधी आर्टिस्टां का यही कह सकते हैं। जदों उन्हां दी एल्बम आउंदी है, ईपी आउंदी है, फिर खुद ही उसनूं परचेज करके कहणगे एप्पल म्यूजिक चार्ट जां आईट्यून्स ते कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। आप ही पा देणगे गीत, आप ही रात को 10 मिलियन खरीद के कहेंगे भी धन्यवाद थोड़ा, तुसीं सानू बहुत प्यार दिता। प्यार तो हकीकत च मिलता है, ये फेसबुक के नली चोचा थोड़ी मिलता है, ये अकलमंदा मिलता है। और संगीत एक लंबी साधना है, ये लंबी साधना तो बाद थोड़ी जी हां मिलती है, ये थानू खुश करना कितने सौखा है। बंदा महबूबा मना लेता, थानू मना तो बहुत औखा है। तो जेडे मेरे सीनियर उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम, जेडे कलाकार जेडे गा रहे हैं उन्होंने भी थवा ला रहा है जी दोस्तों अड्डे सिंगरां ते, जिसनों कि सोशल मीडिया से दोस्तों जोड़ दिता गया है सिद्धू मूसेवाले दे नाल, क्योंकि विवाद इन्हां दा काफी लंबे समय का चलता आ रहा है। हाल ही हुण ईपी दे एल्बम भी दोस्तों दोनों दी इकट्ठियां ही आईयां सन, कंपैरिजन किया गया सी। आईट्यून ते बब्बू मां दी एल्बम दी तक पाई हुई सी, स्पॉटीफाई ते सिद्धू मूसेवाले दी ईपी ते सब तो ज्यादा दोस्तों स्ट्रीम सन। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, दोनों ही दोस्तों पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री नूं नैक्सट लैवल ते लिजा रहे हैं। पर जो कुछ भी गल्लां हो रही ने, तुसीं इस गल नूं किदां देखते हो, अपने अहम विचार कमेंट बॉक्स विच जरूर दिओ। ते दोस्तों इतने हम असी सनी मिल्टन का जिक्र करना चाहते हैं, जिसकी की एक क्लिप उसने खुद ही शेयर की है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, इमोशनल है। कुछ दोस्तों शख्स उसकी गड्डी करके उसका मुखौल उड़ा रहे सन, की जवाब दिता सनी मिल्टन ने दोस्तों तुसी खुद ही देख लवो। हाँ जी हाँ जी, कि मैं शक तू हसी है ना, कद मैं सिविल चला कोई वही गल नहीं ब्रो, है ना, मैं बड़ा शौक है नहीं गड्डिया का, तो जो हों भी मैं फिर भी सिविल की चलानी सी, ये करके ब्रो जो साढ़े माँ प्यो आए थे ना, कले मेरे माँ प्यो नहीं, मोस्टली जो देसी पंजाबी अपने लोग आए थे उस टाइम के, उन्होंने बड़ा औखा टाइम देखा, तो मैनू वो चीज़ा देख के वो जो मैं ग्रोअप होया, मैं बड़ा चीज़ा ना मोह है नहीं, बहुत मैं प्यार है इन चीज़ा ना, तो कोई वही गल नहीं, बहुत जिन्हों हैगा तुसी खुशी लो, फरारी खड़ी करो, बट वो ऐसे कोई लोग है कि जेडे बस च बह के खुश हैं तो लैम्बरगिनी ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਗਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬ੍ਰੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ।
इस वीडियो ने दोस्तों दिल जित लिया है। सनी मिल्टन के प्रति उसके फैन के दिलों में होर भी दोस्तों इज्जत बढ़ गई है। इस तो अलावा हम दोस्तों यह भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं, चलो कलैबोरेशन तो भरा दी आ ही चुकी है सिद्धू मूसेवाले के नाल, बिगबर्ड भी विच आ जाए तो काम दोस्तों पूरा ही लूट आ जाएगा। बिगबर्ड की गल एक स्टोरी भी काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसन की जुड़िया जा रहा है सिद्धू मूसेवाले नाल कि शायद रीयूनियन इन्हों की हो सकती है, पर बाकी जो भी माहौल चल हो उस बारे तो दोस्तों बाद में ही पता लगेगा। पर सनी मिल्टन के इस बयान बारे तो सिद्धू मूसेवाले की ईपी बारे अपने अहम विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। तो दोस्तों हम अभी बॉलीवुड के स्टार विक्की कौशल का भी जिक्र करना चाहते हैं। वैसे पिछली वीडियो में असं यह दसिया कि वह एमी विर्क का गाँव सुनता हुआ दिखाई दिता, पर दोस्तों हूँ वह एमी विर्क नाल ही दिखाई दिता। तो हम एक खास गल यस दिए इकट्ठे ही दोस्तों एक फिल्म से काम कर रहे हैं। एमी विर्क बॉलीवुड की फिल्म में काम कर रहा है। करण जौहर ने दोस्तों इसमें शायद प्रोड्यूस या डायरैक्ट किया है। तो विक्की कौशल से एमी विर्क का दोस्तों खुद इस फिल्म लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड ने, उन्होंने तो वेट नहीं हो रही कि कदों यह रिलीज होगी। शूटिंग तो दोस्तों सूँ लगता खत्म हो चुकी है। एमी विर्क विक्की कौशल इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। फिल्म दोस्तों किदा हो सकती है, किन्नी तक पा सकती है, इस बारे तुम अपने अहम विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। तो दोस्तों हम अभी अर्जन ढिल्लों का भी जिक्र करना चाहते हैं। जिसका कि हम आस्ट्रेलिया का टूर स्टार्ट होने वाला है, पर उस तो पहला वो अपनी एल्बम के दोस्तों काम करता हुआ दिखाई दिता, सुख सिंगड़ा नाल शूटिंग करता हुआ दिखाई दिता, वो भी बहुत जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। तो एक होर खास गल उसने दोस्तों एक गाना गा के सुनाया जिहदी की क्लिप सोशल मीडिया से काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। तो पसंद भी उसकी लिखत को उसकी आवाज को किया ही जा रहा है। तुम भी दोस्तों ये गाना जरूर सुन लवो। आए ना प्यार ना सानू करी अड़िए नी बन पीड़ नैना विच रड़का गे। आए ना प्यार ना सानू करी अड़िए नी बन पीड़ नैना विच रड़कांगे। हर साते लिखिया नाम जाऊ नी तेरे दिल विच मुड़ मुड़ धड़कांगे। इस इश्क चो मिल जाऊ खुशी कोई इस गल दा ना एतवार करे। किथे तक कोई भज लूगा इतना सुत्या ते भी वार करे। नी तेरे दिल विच जद भी मेरिया हाय यादा फेरे पौन गिया। सुती पई नू हित किया अर्जन ढिल्लों अलग ही तरह की दोस्तों इसने वाइब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में लैके आती है। ठेठ पंजाबी नेक्स्ट लैवल की गलबात। टूर भी दोस्तों हाल ही जो निमृत खरा नाल होया सी वो भी सोल्ड आउट सारे ही रहे सन कैनेडा के, ते हुण आस्ट्रेलिया जा रहे हैं। फिर देखते हैं उत्थे किन्नी तक पाउंदे ने। पर फैनां नूं दोस्तों उड़ीक है एल्बम की, अर्जन ढिल्लों ने इस बारे जानकारी तो दे दी है, पर रिलीज़ कदों करेगा यह गल वाकई ही देखने वाली होगी। तो दोस्तों इतने हम असी दलजीत भरा का बड़ा ही अहम जिक्र करने वाले हाँ। ज्ञान वाली स्टोरियां वो शेयर करता नजर आ ही रहा है, तुम खुद इस पॉज करके दोस्तों देख सकते हो। नैक्सट लैवल दी गल्लां उतले लैवल दीयां जिहड़ियां कि आम लोगों के जैतों की लंघ जांदियां ने, शांत सुभाव च बहुत ही ज्यादा है। तो जेकर दोस्तों असीं जिक्र करिए टोरी लेन्स वाले गाने की जो कि बिलबोर्ड चार्ट ते ट्रेंड कर चुका है। पहला दलजीत भरा ने दोस्तों उसका जिक्र किया, हुण टोरी लेन्स ने भी दोस्तों उसका जिक्र किया है। बिलबोर्ड चार्ट के 32वें नंबर से दोस्तों वो पीक कर चुका है। दलजीत नाम ही काफ़ी है, तुम देख ही सकते हो इन्नी ज्यादा इसकी सिर्फ उदो चर्चा हुई थी जो फोटो सामने आई सन। दो दिन पहला ही भरा ने उसका दोस्तों टीजर पाया से, उस तो बाद जल्दी ही गाना रिलीज़ कर दिता। फिर भी दोस्तों 26 मिलियन व्यूज पार हो चुके हैं यूट्यूब के इस गाने के। तो हम फैन उड़ीक कर रहे हैं इस सारी सक्सैस तो बाद, चाहे इंडिया का दोस्तों भरा का टूर हो, दो शो हुए सन पूरी एंड गलबात, टोरी लेन्स वाला गाना होवे सक्सैसफुल, ईपी जिसकी सब तो ज्यादा चर्चा हो रही है, फैन उड़ीक कर रहे हैं कदों दोस्तों भरा रिलीज कर सकता, बहुत ही ज्यादा मैसेज कर रहे हैं लोग, फैन दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं भरा का कदों मूड बनता। तो दोस्तों इतने हम असं नीरू वाजवाजी का जिक्र करना चाहते हैं। उसकी खुद ही एक फिल्म आ रही है, वैसे उसदी प्रमोशन भी कर दी दिखाई दी है, पर इस तो अलावा दोस्तों उसने फुल सपोर्ट की है जो
खुदा बख्श का गाना आने वाला है। सिद्धू मूसेवाले का दोस्तों स्पेशल थैंक्स किया गया है, प्राण ने खुद ही गल कही है कि यह मेरा सब तो फेवरेट गाना है, नीरू जी उसकी फुल सपोर्ट करती नजर आ रही है। इस तो अलावा दोस्तों दिलजीत दोसांझ का गाना भी सुनती हुई दिखाई दी। नीरू के दिलजीत जी तो पहला भी काफी इकट्ठे काम कर चुके हैं, अक्सर दोस्तों उन्होंने गाने सुनती रहती है, इंटरव्यूज में उन्हों का जिक्र करती रहती है। नीरू जी बारे तुम की कहना चाहते हो अपने अहम विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। तो दोस्तों किन की जी रिक्वेस्ट यह भी सी पंजाबी पॉइंटर लाइव दिसदा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे असं गेमिंग डायरेक्शन के ब्लॉग वाली वीडियो लेके आ रहे हैं। जो हो सके तो उस चैनल में इस चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद।